What does the graph say? हेलो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रॉफिट 3195। तीन ट्रेड लिए थे आज, दो ट्रेड में क्विकली एग्जिट कर दिया क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा था। तीनों भी शॉर्ट सेल किए थे, कैसे किए थे वो देखेंगे, कहां पर किए थे वो भी देखेंगे। लाइव मार्केट में शूट कर रहा था लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ का इशू आ रहा था, इसके लिए वो हो नहीं पाया। तो अभी प्रॉफिट बुक करने के बाद ये क्या ट्रेड्स लिए थे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सबसे पहले TCS लिया था, 51 पे शॉर्ट सेल किया था और 50 पर क्विकली एग्जिट कर दिया। क्या था रीज़न देखते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक कैसे सिलेक्शन किए थे, तो ये डार्क स्टॉक का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर डेज हाइज जो भी स्टॉक्स में बनते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उसके बाद वहाँ उसका ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा है वो यहाँ पर हम देखते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है तो ट्रेंड हो सकता है ज़बरदस्त बुलिश या फिर ज़बरदस्त बेरिश देखने को मिले, तो ओपन इंटरेस्ट भी देख लेना चाहिए एक बार। तो चलते हैं TCS के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था 51 के आसपास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके ये जो लेवल बन रहा था 55 to 58 के पास। तो यहाँ पर पास्ट में देखे तो ये एक, ये दो, ये तीन और अभी ये फोर्थ टाइम यहाँ पर हो सकता था ये रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे आए, लेकिन यहाँ पर जो 51 के आसपास शॉर्ट किया था तो थोड़ा कन्विक्शन नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ से क्विकली और सेल ऑफ देखने मिले, क्योंकि चार्ट डेली चार्ट काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा था TCS का, तो यहाँ पर क्विकली एग्जिट करना पड़ा। दूसरा ट्रेड था टाइटन का, ये टाइटन का ट्रेड है, ये भी क्विकली एग्जिट कर दिया, 22.2 पे शॉर्ट कर दिया था और 21.9 पे फिर से इसे बाय कर लिया। तो ये टाइटन का चार्ट है, 1500 PE यानी पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था इस लेवल के आसपास। अगर हम इसे जूम करके देखें तो एक काफ़ी बिग कैंडल बना था, रेड कैंडल यहाँ पर इसके आसपास, ये लेवल जो है अराउंड 21.93 के आसपास, तो 22.3 पे शॉर्ट कर दिया था। पास्ट में देखे तो इस लेवल के पास इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, सपोर्ट लिया था, तो जो पास्ट में सपोर्ट का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो काफ़ी यहाँ से अच्छा खासा 17 तक आ गया था लेकिन जल्दी एग्जिट यहाँ से हो गए क्योंकि इसमें भी कन्विक्शन नहीं आ रहा था और कुछ काम थे, थोड़ा बाहर जाना पड़ा था। और उसके बाद अभी एक थर्ड ट्रेड लिया था हीरो मोटोकॉर्प का, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 97.7 पे शॉर्ट किया था और बाय कर लिया 88.80 पर। तो यहाँ पे क्या था लॉजिक, तो आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प ज़बरदस्त बुलिश था आज के दिन, काफ़ी बुलिश था। तो 3400 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी था उस टाइम जब प्राइस चल रहा था। तो यहाँ पर ये जो साइडवेज पैटर्न बना था नीचे आ रहा था, मार्केट भी देखे तो फॉल दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का निफ्टी इंडेक्स में आज फॉल है। तो यहाँ पर ये फॉल आने के बाद एक साइडवेज पैटर्न में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही इसने इसका ये लोअर बैंड यहाँ पर 93 के आसपास है, ये देख सकते हैं आप 93 पे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर अराउंड 88.80 के आसपास इसको बाय कर लिया, तो यहाँ पर 2670 का प्रॉफिट हुआ। तो आज अच्छा ठीक सा प्रॉफिट हुआ, डिसेंट प्रॉफिट हुआ, एक 3000 का ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, टैक्स वगैरह कट के 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जैसे ही आप हमारे अंडर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं कोई भी एक अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल बुकिंग या फिर 5paisa, तो आप हमारे इंट्राडे जो प्रीमियम मेंबरशिप है टेलीग्राम चैनल की वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।